हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद आज मैं बना रहा हूँ अपना व्लॉग। बहुत दिन से मैं व्लॉग बना ही नहीं रहा था। ये बैठे हो भैया, अभी इन्होंने फोटो खिंचाई है, फोटो में लग रहे हैं इतने छोटे, जबकि हैं इतने बड़े। देख लो कितने बड़े हैं ये, बट फोटो में लग रहे हैं इतने छोटे। आज मैं जाने वाला हूँ सिलेक्ट सिटी मॉल और मैं दिखाता हूँ आपको मॉल कैसा है, अगर किसी ने नहीं देखा है। चलते हैं भाई। ये देखो क्या बेहतरीन व्यू आ रहा बाहर का। ये हमारी गाड़ी BMW यहाँ लगा हुआ है। 35,000 रुपए का चश्मा भाई आंखों पे। यहाँ हमने चश्मा लगा के लग रहे हैं बढ़िया, दांत चमक रहे हैं एकदम व्हाइट। और कंटिन्यू करते हैं जर्नी आगे। सो गाइस, बस हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। देखो लो कबूतर का जमावड़ा। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे और आ जाएगा आपका साकेत मॉल। लेफ्ट राइट। वही देख लो कितने सारे कबूतर हैं। इन कबूतर को अगर आप कुछ खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, तो 10 रुपए में वहाँ बैठे हुए बंदे से मूंगफली खरीदे, और इनको दाना डाले, और यही दाना समेट के बंदा फिर एक पैकेट बनाएगा और फिर आपको चिपका देगा अगली बार के लिए। बट आपका मन खुश हो जाएगा और फोटो खींचा सकते हैं इन कबूतरों के साथ। गाइस हो गई है हमारी एंट्री, आ गया सेलेक्ट सिटी साकेत मॉल। आज भीड़ लग रही है काफी कम, बिकॉज हम आए बिल्कुल ऑफ डे पे। अगर आपको मन कर, यहाँ पे इनकी मेन पार्किंग है, बट आपका दिल नहीं चाह रहा है कि आप पार्किंग में जाओ, तो आप यहाँ भी पहले पार्किंग लगा सकते हो। 100 रुपए उसका चार्ज लेंगे और सामने जाने के बाद आपकी चेकिंग होगी। फ्रंट डिग्गी, पीछे वाली डिग्गी, साइड डिग्गी और नीचे आपके गाड़ी के पंप लगे हैं नहीं लगे हैं वो सब चेक कर लेंगे ये लोग। नमस्ते करने के बाद हो गया नमस्ते। ये है पार्किंग, नॉर्मली जाओगे तो नीचे ले जाएंगे, बट अगर इसको हॉर्न दो, हाथ इशारा करो, तो ये हमारी पार्किंग ऊपर ही लगवा देगा गाड़ियों की, प्रीमियम गाड़ियों की। हमारी BMW लगने वाली है ऊपर ही, हमें स्पेस मिल जाएगा, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। लाइटिंग देखो कितनी बढ़िया आ रही है इसकी लाइटिंग। अगर आपके पास BMW 530i है या किसी को पसंद है तो देख लो, कुछ ऐसी है गाड़ी हमारी। इसमें एक ऑटोमेटिक। सो गाइस, हमने लगा दी गाड़ी अपनी पार्किंग में, हम जा रहे हैं मॉल के ऊपर। पहली बार हमने बहुत बड़ी जगह पार्किंग लगाई है। पिलर नंबर क्या था भाई, देख लो जरा, 114। भाई साहब दोनों लगा के जा रहे हैं चश्मा। एक लंदन की फेवरेट कॉपी है, पैटर है मैनेजर, पैटक के मैनेजर। देखता हूँ क्या है, जो भी होगी सही से प्रोनाउंस करूँगा, आगे आगे पढ़ूंगा उसका नाम क्या है, फिर आपको बताऊँगा। सी यू देन। सो गाइस, आ गए हम लोग इस मॉल में। एक बंदा हमारा गुमशुदा हो चुका है वो। ऐसे वो इस तरफ गया, यहाँ तक मुझे लग रहा है वो यहीं होगा। ये आ रहे हैं भैया आगे, ताकि हमारे व्लॉग में आ सकें, बट पता नहीं कहाँ चला गया वो चिलगोजा। ढूंढते हैं उसे फिलहाल साकेत मॉल। आप बताओ कितने लोग यहाँ आते हो, क्या आपको अच्छा लगता है यहाँ आना? वैसे दिल्ली में काफ़ी सारे मॉल हैं, बट मुझे लगता है कि बढ़िया मॉल यही है, थोड़ी सी भाई यहाँ की अच्छी है ना। अपने लक्ष्मी नगर पर BTS मॉल है, कौशाम्बी पैसिफिक मॉल है, और DLF मॉल नोएडा वाला, वो भी कुछ खास करते नहीं। वहाँ जा जा के हम लोग थक गए हैं। बॉस पे देख लो भाई, बॉस बाजारी, ट्रैवलिंग थ्रू टेस्ट भाई, बाजारी बाजारी बर्किंगस्टन स्टोन मैंगो स्टारबक्स गया होगा वो ज़ारा में। सो गाइस, आ गए हम लोग ज़ारा में। ये कोट मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, देखते हैं यार। 8,000 रुपये में लग तो बढ़िया रहा है। अंदर की शर्ट काफ़ी पतली है, बट बाहर से मोटा लग रहा है, लग अच्छा रहा है, देखते हैं व्हाट आई गोना सेलेक्ट। इस पे ऐसे वाली बेस पहनेंगे तो आप कस्टमाइजेशन भी करा सकते हो, ये कुछ चाहो तो अपने टी शर्ट पर लगा दो। ये कलर देख लो, हमने टी शर्ट ली है और उस पर सोच रहे हैं अगर आप कुछ भी चाहो तो इनमें से कुछ भी लगवा सकते हो। ये उन्होंने कुछ एग्जांपल टांग रखे हैं इसका, ये वो ये, बाकी आपको कुछ भी पसंद आया। मुझे फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जो कस्टमाइजेशन किसी चीज़ की कराई जाए, हट रहा है वैसे ही। शॉपिंग हमने कर ली, अब नाउ वी आर गोइंग टू अनदर स्टोर टू डू सम मोर शॉपिंग। हम डिपॉल्स पे नटी चॉकलेट इग्लेयर्स, ये लग रही है बढ़िया, इतना बढ़िया बढ़िया इनका वो है, वो ब्रेड। गाइज, मैं आया था बॉस में, बॉस की टी शर्ट देखो ये कुछ ये हैं। सो गाइज, साकेत में ही दूसरा मॉल है, अब हमने दूसरे मॉल में एंट्री ले ली है। यहाँ से हमने सनग्लासेस लिए थे 12,000 रुपये के रेवन के, जो मैंने इस टाइम लगा रखे हैं। दिखा ये रहे, देखो कैसे लग रही है। कार्स का प्रमोशन यहाँ चलता रहता है। BMW नहीं लग रही है मुझे, मर्सिडीज C220। ये मॉल भी अच्छा है, बट अमेरिकन ईगल इसकी शर्ट भी अच्छी हो सकती है, बट पता नहीं हमारा बंदा कहाँ चला गया, ढूंढते हैं उसे कहाँ भाग गया वो। तो गाइस, जैक एंड जॉन्स में आए थे, फिलहाल हमारी 10,000 की शॉपिंग हो गई डन।
ये इनका कुछ कलेक्शन है देखो, बढ़िया पानी वानी हमने पी लिया है, काफ़ी प्यास लग रही थी। 8-8 हज़ार के सारे कपड़े हैं ये। फिलहाल हम लोग गए थे बॉस में भी, और बॉस की एक हाफ टी शर्ट आपको पड़ेगी 18,000 रुपये की। और ये देखो दो बच्चे, सो गाइज हम दूसरे वाले मॉल से, पीछे वाले मॉल से जा रहे हैं आगे वाले मॉल में। पीछे वाले मॉल में था चिलीज, जहाँ पे हम 25,000 बार खा चुके हैं, अब हम लोग बोर हो गए वहाँ जा जाके। तो अब हमारा नया डेस्टिनेशन है पॉल, तो हम जाने वाले हैं पॉल। पॉल में जाएंगे, खाएंगे पिज़्ज़ा। इस बार नहीं खाएंगे हम पिज़्ज़ा, लास्ट टाइम हमें कुछ अच्छा था बट ये है कि मज़ा नहीं आया कुछ। हमने अपनी कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, अब इस बार हम जाएंगे पॉल्स में, या तो हम कुछ खाएंगे और मे बी हम लोग कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तो मैं जाऊँगा आपको दिखाऊँगा, और शायद आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा है कि पॉल कितना महंगा है क्या नहीं है। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है अगर आप खाना चाहोगे फैमिली के साथ। सीपी में तो ऐसा रेस्टोरेंट है नहीं, सिर्फ वो यही है सेलेक्ट सिटी मॉल में, पॉल रेस्टोरेंट फ्रॉम फ्रांस। अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है, घर वालों के साथ कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो नया, तो आप जाओ पॉल में। वहीं मैं जा रहा हूँ और जाके आपको दिखाता हूँ कैसा है क्या नहीं है। फिलहाल आप देखो यहाँ दिन का लुक सेलेक्ट सिटी ऐसा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गाने वाने बढ़िया बज रहे हैं, पता नहीं इससे कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बढ़िया है, नीचे शॉपिंग का सामान है। वो दिख रहे हैं छोटे छोटे खिलौने यार, आपको दिखाऊं। मुझे एक खिलौना पसंद आया था यार, बंदे ने 6,000 रुपये बता दिए मुझे उसके, लूट रहा। देखो वो दिखाता हूँ, वो रखे हैं खिलौने। गाइस हमने ऑर्डर की थी ग्रीन एप्पल ड्रिंक, वो आ गई है यहाँ। मैंने ऑर्डर किया था फ्रेश एप्पल जूस, और इसने ऑर्डर किया था एप्पल जूस प्लस सेलेरी। सबसे घटिया जो मुझे लग रहा है टेस्ट में वो इनका ही है ग्रीन वाला, बाकी हम लोगों को तो हमें पता ही कैसा होता है। सो गाइस हमारा खाना आ चुका है, ये मैंने मंगाया था, इसमें राइस है, टोफू है और वेजिटेबल्स हैं। भैया वाले में चिकन होगा, और ये है एक, अभी हमारा दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है, और मैं इसका आपको बिल बताऊंगा कि इतना क्या नहीं है, देख लो ऐसा दिखता है कुछ ये। सो गाइस हम सबका खाना आ चुका है फाइनली, बच्चे का भी आज टेस्ट मंगाया था चिकन, उन्होंने मंगाया था चिकन, उनका भी चिकन, दोनों का सेम है। यहाँ कुछ अलग है, मेरे में वेजिटेबल भी है, टोफू भी है, काफ़ी कुछ अलग है। ऑरेंज जूस इनकी सिलेरी हो रही थी ख़राब, जिसमें हमने थोड़ा सा ग्रीन एप्पल ऐड करा दिया ताकि ये थोड़ा अच्छा टेस्ट करे। गाइस शॉपिंग हो गई हमारी डन, जा रहे हैं हम लोग घर। नीचे का व्यू आ रहा है बढ़िया। फिलहाल ये सामान लेके हम चले अपनी पार्किंग की ओर, फिर मैं जाऊँगा घर, दिखाता हूँ आपको उसके बाद अगर हम घर जा रहे हैं कहाँ जाते हैं यार। और ये रोड हो कैसा है, चलते 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 एकदम से बम्प आ जाएगा, एकदम से अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो झटका लगेगा आपको एकदम से कि क्या हो गया। हेलो गाइस, सो लगभग आ गया हमारे व्लॉग को एंड करने का टाइम, जा रहे हैं हम लोग वापस घर। और घर जाते हैं, देख लो V3S बोल रहा हूँ मैं, साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल से, मॉल से निकलते ही इस रोड में मिलेगा आपको हर वक्त जाम, यहाँ से निकलना है मुश्किल। RJ अंकित यादव के साथ पीछे बैठा हुआ एक दुखी आत्मा दोस्त, बड़ा देखो कितना रोने वाला चेहरा हो रहा है बेचारे बच्चे का, इसे अपनी ब्लेसिंग और याद करें इसे। इसे कमेंट्स में बताएं कितना परेशान है, और इसकी परेशानी को हल करें, और इसकी परेशानी बताना नहीं चाहता। कैसे बाबा सूफियान के पास जाना चाहिए जिनके पास हर समस्या का हल है। अगर आपको जानना है तो बने रहें हमारे साथ, अगले एपिसोड में मिलेंगे। टिल देन गाइस, बाय बाय, सी यू।